नमस्कार। प्रदेश की जनता जनार्दन ने प्रदेश के समग्र विकास और सुरक्षा में पिछले 5 वर्ष के दौरान निरंतर अपना सकारात्मक योगदान हमें दिया है। 5 वर्ष का हमारे साथ सरकार का यह कार्यकाल सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। इस दौरान पिछले 20-22 महीनों से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश और दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से भी जूझ रही है। भारत के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरा देश कोरोना के खिलाफ एक लड़ाई प्रत्येक नागरिक के जीवन और जीविका को बचाने के लिए लड़ रहा है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, हर गरीब के लिए, जरूरतमंद के लिए फ्री में अन्न योजना, और प्रधानमंत्री जी ने सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था भी की है। मेरी आप सभी प्रदेशवासियों से अपील है कि अभी भी एक संख्या है जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं ली है, मेरी आप सबसे अपील होगी, कोरोना के खिलाफ लड़ाई ये देश की लड़ाई है। हर एक व्यक्ति का जीवन बहुमूल्य है और इस बहुमूल्य जीवन के लिए कोरोना का वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है। इस महामारी का तीसरा वेरिएंट भी आ चुका है। घबराने की आवश्यकता नहीं, सतर्कता और सावधानी हमें इस महामारी से बचाने में बहुत सहायक होगी। मेरी आप सबसे अपील है कि आप सभी लोग जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं ली है वे कोरोना की वैक्सीन जरूर ले लें। जिन्होंने एक डोज ले ली है वे अपनी दूसरी डोज भी समय से ले लें। बुजुर्ग लोगों के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए, कोरोना वॉरियर्स के लिए सरकार ने एक बूस्टर डोज की व्यवस्था भी की है। आप जरूर इसको लें क्योंकि कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ मानवता के को बचाने की जो लड़ाई लड़ी जा रही है इसमें यह वैक्सीन सुरक्षा कवच का काम करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप समय से अपना वैक्सीन लेकर के अपने नवयुवकों को भी इस महामारी से बचाने में योगदान देंगे। खासतौर पर 15 से 18 वर्ष के बीच के युवाओं के लिए भी फ्री वैक्सीन प्रारंभ हो गई है। हमारा प्रयास होना चाहिए अगले एक सप्ताह के अंदर 15 से 18 वर्ष के हर एक युवा को हम वैक्सीन दे सकें और इसको युद्ध स्तर पर ले लेंगे तो कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। आप सबका मैं हृदय से अभिवादन करता हूं, आपके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।